तो हम लोग बिल्कुल जैसे आर्मी बॉर्डर पे लड़ी रहती है, हम लोग बिल्कुल वैसे ही लगे हुए हैं और हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि पेशेंट ठीक होके घर जाए। आपकी बात सही है, ये युद्ध जैसा स्थिति है और आप ही सब मोर्चा संभाले बैठे हो। संकट की इस घड़ी में, अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। आज यही हमें मृत्यु से बचा रहे हैं। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि 22 मार्च को किस तरह पूरे देश ने जनता कर्फ्यू में बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभाई और दुनिया को अचंभित कर दिया है। और फिर शाम के ठीक 5:05 के लिए कैसे देश भर के लोग अभिवादन के लिए सामने आए। कोरोना के खिलाफ हमारी जो नर्सिस लड़ रही हैं, डॉक्टर लड़ रहे हैं, लैब टेक्नीशियन लड़ रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ लड़ रहे हैं, उन सब के प्रति धन्यवाद का एक अभूतपूर्व दृश्य प्रस्तुत किया। ये पूरे देश ने किया है, यह सम्मान का एक प्रकट रूप था। कुछ स्थानों से ऐसी घटनाओं की जानकारी भी मिली है जिसमें हृदय को गहरी चोट पहुंचे, बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। घटनाएं भले छुटपुट कहीं कहीं होगी लेकिन मेरे लिए गंभीर है और इसलिए मैंने तत्काल गृह विभाग को, राज्यों के सभी डीजीपी को सख्ती से काम करने के लिए कहा है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ, सेवा करने वालों के साथ अगर इस प्रकार का कुछ भी करेंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा और सरकार सख्त कदम उठाएगी।